كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا वालमाफ़ाउन व ज़िद नाब ना इम सुबान कलाम तना इदन का अन तलीमीम सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब मिलकर अल्लाह व वजल का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व अपने दीन का इल्म सीखने और सिखाने के लिए हमें कबूल फरमाया हमें तौफीक और शदत अता फ़रमाई यकीनन ये व वजल का बहुत बड़ा एहसान है जितना इस पर शुक्र अदा किया जाए वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह 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 और मैं आप तमाम हजरात का मशकूर और ममनून भी हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और इस कोर्स में शिरक़त का इरादा ज़ाहिर किया अल्लाह तबारा व तआला आप सब की शिरकत को कबूल फरमाए अल्लाह हमारे ईमान और अकायद के सही और पुख्ता होने का ज़रिया बनाए और अल्लाह तबारक व ताली हम सब के लिए इन मजालिस को जरिया नजात बनाए आमीन या रब्बल आलमीन सबसे पहले हम अपना ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है कि ये बुनियादी अकायद का कोर्स है और अकाइद इंतहाई अहम तरीन और बहुत नाजुक मौज़ और टॉपिक है सब्जेक्ट है हर किसी से अकद नहीं लिए जा सकते इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दीन का इल्म जिससे ले रहे हैं उसकी मारिफत हो उसका तारुफ हो उसकी पहचान हो इसलिए कि ये बहुत कीमती सौदा है दुनिया में हम कोई कीमती चीज़ लेने वाले होते हैं तो रास्ते की दुकानों से नहीं लेते बहुत छान पटक करते हैं कि कौन सी जगह ये ओरिजिनल चीज़ मिलेगी आला क्वालिटी में मिलेगी वहाँ से फिर हम वो चीज़ लेते हैं हर जगह से नहीं लेते इसी तरह इलम दीन भी बहुत अहम तरीन चीज़ है बहुत कीमती सरमाया है उसको हर किसी से नहीं लिया जा सकता बल्कि मतबर जराए से उसको हासिल करना है इसलिए मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि सबसे पहले मैं ख़ुद अपना तारफ़ करवा दूँ अपनी पहचान करवा दूँ इसलिए कि बहुत से हज़रा ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते और मैं भी उन्हें नहीं जानता मुख्तसर तारफ़ तो आपका आया है तो मुनासिब है कि मैं सबसे पहले ख़ुद अपना तारुफ करवा दूँ तारीफ़ करना तो अच्छी बात नहीं है लेकिन अपना तारफ़ करवाना अपनी पहचान करवाना ये ज़रूरी है ताकि अतमान हासिल हो तो नाम मेरा इस्माइल है और वालिद का नाम इब्राहिम है गुजरात के शहर नवसारी का रहने वाला हूँ अलहदुल्ल अल्लाह तबारका व तआला ने हिफ्जे क़ुरान की दौलत से महज़ अपने फ़ज़ल से माला माल फरमाया है और उसके बाद फिर हिंदुस्तान की मशहूर इलमी दारुल उलूम सानी जिसे कहा जाता है जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाबेल में नौ साल तक आलिमियत का कोर्स करने के अल्लाह ताला ने ता फरमाई नौ साल तक अपने इस सहबत में और उनकी खिदमत में रह कर इल्म दिन हासिल करने की कोशिश की और वहाँ से आलिमियत की सनद हासिल की और उसके बाद तकरीबन बारह साल से जामिया इसलाबनत में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ जिसमें अरबी की कुछ किताबें भी हैं और तर्जम क़रान है हदी शरीफ़ की मुख्तल किताबें हैं अक़ायद की किताबें भी पढ़ाने की सदत हासिल है और फ़िका की किताबें भी अलहमदल पढ़ाने की शादत हासिल है अल्लाह तबारक का वाली मरते दम तक इल्म दीन के साथ हमारा रिश्ता क़ायम फरमाए अपनी असलाह के लिए और अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बुज़ुर्गों की सहबत और उनके साथ अपना तल्लक़ वस्स्ता रखते हुए अपने पिर व मुर्शीद हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सेफ़ी दामद बरक़ा तुहम के साथ ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम है वक्तन फवक्तन उनकी ख़िदमत में हाजरी होती है अकीदे के अतबार से अहलुस सुन्नती वल वजमा का जो अकीदा है और उनके जो अकायद हैं वो वह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और अहलुदसन्नत वजमात के अक़ाइद की जो तर्जमानी ने देवबंद की है और मकतब फ़िक्र जो देवबंदी मकतब फ़िक्र है उन्होंने जो तशरीहात की है और जिस पर अतमाद किया है अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर हम अहतम रखते हैं और उसी के मुताबिक अपना अकाबरीन के बयान करदा अकाद ही की रोशनी में आसान करके इन शह अकाइद सीखने सिखाने का इरादा है अल्लाह तबारका व तै आसान फरमाए कबूल फरमाए अल्लाह ताली लग्जिशों से हिफाजत फरमाए गमराह होने से और गुमराह करने से हम सब की हिफाजत फरमाए ये तो था अपना तारुफ। ये आज के सबक का पहला है कि उस्ताद का तारुफ। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने एक बात वाजे हो कि पढ़ाने वाला किस सोच का हामिल है किस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है उसके अकीदे कैसे हैं उसकी ज़िंदगी कैसी है क्या वो कोई सर्टिफाइड आदमी है या ऐसे ही है ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है इससे इत्मीनान हासिल होता है दूसरी चीज़ आज के सबक की है कोर्स का तारुफ कि ये जो कोर्स हम एक महीने का करने का इरादा रखते हैं ये कोर्स क्या है तो जैसे कि कोर्स में ही लिखा था बुनियादी अकद कोर्स, अकद किसे कहते हैं वो सब बातें इनशल आगे आ रही है बुनियादी अकद कोर्स, अकीदा और अकद ये हमारे लिए बहुत अहम तरीन बुनियाद है उसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका अकीदा सही न हो वहाँ तक वो सही मुसलमान नहीं हो सकता तो अपने अकद दुरुस्त करने के लिए और दूसरों के अकाइद दुरुस्त करवाने के लिए ये कोर्स हमारा रखा गया है इसमें हम कोई बहुत लंबी चौड़ी बात से नहीं करेंगे जो बुनियादी बातें जिसको मानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है उसके बग़ैर कोई ईमान में कामिल नहीं हो सकता उसका ईमान सही नहीं हो सकता ऐसे अकाइद और फिर उसके अलावा और भी कुछ अकाइद हैं जिसका जानना और जिसको मानना हम सब के लिए ज़रूरी है वो अकाइद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी किताबों में आसान अंदाज में बयान भी फरमाए हैं मकतब में पढ़ाए भी जाते हैं लेकिन जिस वक्त वो पढ़ाए जाते हैं आम तौर पर वो शुरू और समझ की उम्र नहीं होती है और बहुत सी जगह पर इंतहाई अफसोस की बात है कि सिर्फ उर्दू ही पढ़ा लिया जाता है बाकी उसके कोई समझाया अच्छी तरह नहीं जाता और बचपन का अगर सही तरह ना समझा हुआ हो तो आदमी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारता है हालांकि अक़ाइद ये हमारी बुनियाद है और उसकी तरफ से हमारी गफलत बहुत ज़्यादा है आए दिन ये बात देखने में आती थी कि हमारे बहुत से नौजवान भाई जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है मुलाकात होती है आपस में बातचीत होती है तो अकाइद से बिल्कुल ना वाकिफ तो ये सब देख देख कर दिल में बहुत ज़माने से एक दाइया था एक जज्बा था कि इसका कोई निज़ाम अल्लाह ताला बना दे और सोच इस तरह की थी अल्लाह तॉकडाउन में जब ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बात दिल में डाली अपने बुज़ुर्गों से मशवरा किया और ये बात तय हुई कि इस तरह का एक कोर्स रखा जाए जिसमें इन शह तबारक व ताली की ज़दात से उम्मीद भी है यकीन है दुआ है कि अल्लाह ताली ख़ैर की सूरतें पैदा फ़रमाएंगे और हमारे अकायद दुरुस्त होंगे तो ये कोर्स का तारफ़ है तीसरी बात है इल्म दिन के आदाब हम ये इल्म दिन हासिल कर रहे हैं तो इल्म दीन हासिल करने के भी कुछ आदाब हैं जो काम आदाब के साथ किया जाता है उसमें बरक़ात भी होती है फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं और उसके नतज और समरात भी बहुत अच्छी तरह हासिल होते हैं तो हम जो एक महीने का ये कोर्स कर रहे हैं तो वो हमें बुनियादी तौर पर किन बातों का ख्याल और ध्यान रखना है वो चंद बातें हैं मैं इन आपकी खदमत में पेश करता हूँ अब उसको अमल की नीयत से तवज्जो के साथ सुनिए और नोट भी करते जाए इसलिए कि अमल करना है तो इल दीन के आदाब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी नीयत सही हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं नीयत हमारी सही हो इन्नमला बिन अमला बिन नीत आमाल का दार मदार नीयतों पर है तो हमारी नीयत सबसे पहले सही हो कि हम अपने ईमान को अपने अकद को दुरुस्त करने के लिए ये इल्म हासिल कर रहे हैं और ये मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं हम ख़ुद भी इन शद दुरुस्त करेंगे दूसरों के भी भीद दुरुस्त करवाएँगे अपनी औलाद के अपनी आने वाली नस्लों के अकद इनशा दुरुस्त करवाएँगे और जहाँ तक हमारी रसाई हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोर्स में शिरकत करने वाले बहुत से वो हजरत हफाज कराम और वो भी हैं जो मकातब में देहातों में पढ़ाते हैं जिनके ज़िम्मे छोटे छोटे बच्चों की खिदमत है और नई नस्लों के ईमान की हिफाजत है वो भी अलहमद ला हैं इन शो ख़ुद भी सीखेंगे बच्चों को भी सिखाएंगे तो इसका फ़ायदा इनशा बहुत ज़्यादा आम होगा तो सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करे अखलास के साथ किसी को दिखाने के लिए नहीं कोई और दुनियावी फ़वाद के लिए नहीं सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने अकाइद दुरुस्त करने के लिए हमें ये इल्म सीखना है और रोज़ाना अपनी इस नीयत की हम तजदीद करते रहे इसको रीन्यू करें रोज़ाना सबक से पहले इसको दराज़ सोच लें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ इल्म दीन हासिल करने के फ़ाइल अलहमदिल्ला किसी न किसी दर्जे में हम उससे वाकिफ़ हैं उसका ध्यान हो और इस हो ये इल्म कोई ऐसा इल्म और फ़ुनून का इल्म नहीं है कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया ना पढ़ा तो कुछ नहीं ऐसा नहीं ये इल्म अल्लाह तबारक व ताली की तरफ़ से अता किया हुआ इल्म है ये वही से आने वाला इल्म है जिसमें कोई ग़लती की गुंजाइश नहीं है ऐसा इल्म ऐसा अज़ीम इल्म हम हासिल कर रहे हैं जिसके बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तलबुल ही फ़रीज़त बादल तलबल फ़रीज़तलाकली मुसलम हर मुसलमान के ऊपर चाहे वो मर्द हो या औरत उसके ऊपर हासिल करना फ़र्ज़ है यानी इल्म की ख़ास मकदार ख़ास ख़ास हिस्सा इल्म का उसमें से इल्म अक़ाइद भी है उसका सीखना फ़र्ज़ है और जो आदमी इल्म हासिल करता है अल्लाह खुश होते हैं जो आदमी इल्म के हसूल के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह ती उसके लिए जन्त का रास्ता आसान फरमा देते फ़रिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं और ये हमारी मजलिस ऐसी होगी इन कि अल्लाह के, अल्ला के फरिश्ते इस मजलिस को घेर लेंगे अल्लाह की रहमतें इस पर नाजिल होगी इन सब फ़ज़ाइल का इसतज़ार रखें तीसरी चीज़ तीसरा अदब यह है कि बाज़ू और बादब बैठने का अहतमाम करें बाज़ू और बा वज़ू के साथ बैठें और अदब के साथ बैठ कर इल्म हासिल करें इसलिए कि इल्म दीन है आम तौर पर तो सूरत यह होती थी कि क्लास होती है उस्ताद सामने होते हैं शागिर्द उनके सामने बैठते हैं तो वहाँ तो अदब का अहतमाम होता है लेकिन ऑनलाइन में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है के उस्ताद सामने नज़र यानी उस्ताद को वो नज़र नहीं आते जिसके नतीजे में कोई पैर फैला कर बैठता है कोई लेट कर सुनता है और बहुत से हजरात उनके नलिबास का ठिकाना होता है और दूसरे कामों में मशगूल होकर सुनते हैं तो चाहे उस्ताद आपको ना देखें लेकिन इल्म देने वाला अल्लाह आपको देख रहा है इसलिए जितना अदब होगा उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से इल्म के फैसले होंगे इसलिए बा अदब बावज़ू बैठने का अहतमाम करें चौथी चीज़ यह है कि सबक के वक्त यकसुई का माहौल तैयार करें इसलिए कि समझने की चीज़ें हैं ये सिर्फ सुनकर निकाल देने की चीज़ें नहीं है समझना है उसको दिल में उतारना है और उसको जमाना है तो उसके लिए जहन यकसू चाहिए तो यकसुई के तमाम इसबा मुहैया किए जाए यकसुई के तमाम इसबा मुहैया किए जाए चुनानचे हमारे इस कोर्स में चूँकि मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल हैं तो दर्ज का वक्त होने से पहले पहले अपने कामों को समेट ले खूस हमारी जो ख़वान है उनके ज़िम्मे घर के भी काम होते हैं और खाना पकाना खिलाना और ये बच्चे भी बहुत सौखे होंगे तो ये सब काम होते हैं तो इस वक्त से पहले इन कामों को पूरा समेटने की कोशिश करें ताकि सबक के दौरान उनको ख़लल पेश ना आए दरमियान से उनको उठकर जाना ना पड़े उनका जहन मुंतशिर ना हो मर्द हजरा भी अपने कामों से फारिग होकर इस वक्त को अपने लिए फारिग कर ले मुख्तर वक्त है दूसरा काम ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप उस पर सुनने की कोशिश कीजिए उसमें खलल कम होगा अगर है तो और अगर नहीं है तो आप फिर फ़ोन पर सुने लेकिन जब फ़ोन पर सुनेंगे तो फ़ोन पर बहुत सो के कॉल भी आएंगे, मैसेज की भी भरमार रहती है अब सबक भी सुन रहे हैं मैसेज भी आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं जाहिर है कि तवज्जो बढ़ जाएगी तो ऐसे इस ऐसे हज़रा के लिए मशवरा ये है कि फ़ोन में एक ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब आप उसको इनेबल कर दें ताकि इस सबक के दौरान कोई घंटी आपकी ना बजे पीछे कॉल आएगा आपको बाद में पता चल जाएगा मैसेजेस सामने नहीं आएंगे नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए बंद कर लें तो इसके इसके ज़रिए से आपको यकसुई इनशाला हासिल होगी इसी तरह सबक के दौरान आप सबक भी सुन रहे हैं व्हाट्सअप के मैसेज भी देख रहे हैं उनके जवाब भी दे रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन करके सुन रहे हैं तो इन सूरतों में आपको कमा फ़ायदा नहीं होगा इसी तरह एक चीज़ ये भी ख़ास अहतमाम रखें कि चूँकि नेटवर्क का जरूर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी जगह आप बैठें कि जहाँ आपका नेटवर्क आता हो आप घर के ऐसे कोने में बैठे हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है तो इसी पहले से ऐसी जगह का इंतखब करें जहाँ आपका सबक अच्छी तरह चलता रहे पाँचवीं चीज़ ये है कलम और कागज़ अपने साथ रखे कापी हो डायरी हो और उसके साथ कलम हो ये बहुत अच्छी आदत है सबक के दौरान जो काम की बातें हो उसके नोट्स तैयार करते रहें अमल की बातें हो उसको तैयार करें सबक का ख़ुलासा तैयार करें तो उससे सुनने में भी मदद मिलती है और बाद में उसको याद रखना भी आसान होता है और छठी बात आखिरी यह है कि पाबंदी करें आज पहला दिन है और इसके बाद अभी इन महीने तक हमें सबक चलाना है तो रोज़ाना पाबंदी के साथ आप सबक का अहतमाम कीजिए हर दिन आने वाला पिछले दिन के साथ जो किसी न किसी तरह ताल्लुक़ रखता है आइंदा कल जो बातें आएंगी वो उसका ताल्लुक़ इससे होगा और जिस दिन आपकी गैर हाजिर होगी उस दिन के अहम अक़ायद आपके छूट जाएंगे इसलिए पाबंदी करें कि आप इस वक्त लाइव सबक सुने इन कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग भी आ, सेंड करें कभी बहुत मजबूरी का दर्जा है तो आप उसके ज़रिए से भी अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं लेकिन लाइव में जो बरकत होती है और उस वक्त जो बात समझ में आती है वो बाद में इसका इस, इसका दर जूर नहीं होता इसलिए इसका भी अहतमाम करें तो ये कुछ इलम दीन के तल्ल से आदाब थे इन रियायत करेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ही होने वाला है उसके बाद इल्मद की अहमीत ये जो इल्मद है ये कितना अहम है कोई भी चीज़ हम पढ़ने वाले हों तो सबसे पहले उसकी अहमियत उसकी अजमत उसके फ़वाद हमारे सामने हों तो फिर इंसान को उसके अंदर दिलचस्पी होती है अगर ऐसा ना हो तो फिर दिलचस्पी नहीं रहती है इसलिए यह अकायद का दर्जा बुनियाद का है बुनियाद जिस तरह एक इमारत होती है वो बुनियादों पर क़ायम होती है अगर बुनियाद उसकी कमज़ोर है या बुनियाद है ही नहीं तो इमारत हवा के एक झोंके से ज़मीन की हल्की सी हरकत से ज़मीन बोस हो जाती है गिर जाती है और अगर बुनियादें मजबूत हो, तो फिर चाहे कितनी ही तेज़ आंधियाँ चले कितनी ही बारिश के तूफ़ान आए लेकिन उस इमारत को कोई ख़तरा नहीं होता या यूँ समझिए कि जिस तरह दरख्त की जड़ें ज़मीन में मजबूत हो तो वो दरख्त हवाओं में भी खड़ा रहता है और वो गिरता नहीं है लेकिन जिस दरख्त की जड़ें कमज़ोर हों और ज़मीन के अंदर तक न गई हो तो ज़ोर का हवा का तूफ़ान आता है उसको उखाड़ कर फेंक देता है ठीक इसी तरह जिसके अकद सही है अकायद मजबूत हैं बातिल के तूफ़ान उसको गिरा नहीं सकते फितनों की आंधियाँ उसको गिरा नहीं सकती उसका ईमान महफूज रहता है इसलिए अकाइद तो बुनियाद है जड़ है और इसी अकद पर अमाल का दारो मदार है इसी अकद पर अमाल का दार मदार है बल्कि नजात का दारो मदार भी इसी पर है एक आदमी अमली तौर पर बहुत आगे है लेकिन अगर उसके अकाइद सही नहीं अल्लाह के बारे में उसके रसूल के बारे में किताबों के बारे में अगर अकायद में गड़बड़ है तो उसकी नजात नहीं होगी इसलिए कि ईमान ही सही नहीं हुआ और ईमान के बग़ैर कोई कबूल नहीं अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अहम चीज़ है एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है बहुत कोशिश कर रहा है नमाज़ सदक़ात खैरात सब कुछ लेकिन उसके अक़ीदे सही नहीं है अल्लाह के बारे में जो चीज़ें उसको माननी चाहिए उनमें से वो कोई चीज़ नहीं मानता या कोई जाने अनजाने में ऐसा काम कर रहा है जो इंसान को शिरक के दायरे में ले जाता है तो ऐसे आदमी की ज़िंदगी भर के आमाल ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएँ इसलिए इल्म इल्मद बहुत अहम है हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना है अल्लाह के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह तफसीत आएगी तो वो सब चीज़ें हमें सीखनी है इसलिए इसकी अहमियत हमारे दिल में हो कि ये इल्म बहुत बुनियादी इल्म है सबसे ज़्यादा इसकी हमें हासिल करने की ज़रूरत है लेकिन अफसोस की बात यह कि सबसे ज़्यादा गफलत हमारी इसी तरफ से फ़ाइाइल हम बहुत जानते हैं लेकिन अकायद से वाकिफ़ नहीं इसलिए जो आदमी जो कुछ कहता है हम ले लेते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह के बारे में क्या मानना है क्या नहीं मानना उसका इख्तियार हमारे पास नहीं है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिस रास्ते पर छोड़ा है हमें उसी रास्ते पर इनशाला चलना है इसलिए अकायद की अहमियत को समझे उससे ईमान वक़्र का फ़ैसला होता है हक और बातिल का फ़ैसला होता है और इसी के ऊपर अमाल की बुनियाद होती है और इंसान की जैसी सोच होती है जैसे अकायद होते हैं उसी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में उसके असर पड़ते हैं इसलिए ये अकाइद बहुत ज़्यादा अहम है बुनियाद की जड़ की हैसियत रखता है और तमाम अमाल की बुनियाद इसी पर है इसलिए हमें इल्म अकाइद सीखना है कि अकाइद हमारे क्या होने चाहिए इन सिलसिले में बात करेंगे दूसरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि अकाइद से हमारी मुराद बिल्कुल बुनियादी अकाइद है जो आम तौर पर मकतब में बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए या पढ़ाए जाते भी हैं वो चीज़ें भी हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं उसकी थोड़ी सी इन शफसल करेंगे और उसको आसान अंदाज़ में बयान करने की कोशिश करेंगे अल्लाह तबारक व ताली इनको आसान भी फरमाए और हमारे लिए समझना आसान फरमाए अब हम आते हैं कि अकद कहते किसे तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स में शिरकत करने वाले आम तौर पर कोई टीचर है कोई इंजीनियर है कोई एमबीबीएस है पता नहीं क्या क्या लोगों ने अपने बारे में लिख कर भेजा है कि उनकी तालीम कहाँ तक है बड़ी खुशी हुई कि इन हजरा को अपने दुनियावी स्टेटस के साथ भी अपने ईमान की फ़िक्र है यकीन वह हज़रा मुबारकबादी के काबिल हैं जिन्होंने दीन सीखने की तरफ पहल की और कदम बढ़ाया अल्लाह तला आपके इन कदमों को मुबारक फ़रमाए तो अकीदा किसे कहते हैं अकायद की तारीफ़ डेफिनेशन उसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए तो इस सिलसिले में अकद ये जमा है इसको हिंदी में गुजराती में बहुवचन कहते हैं इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं जमा है और उसका वाहिद आता है अकीदा, अकीदा बना है अकद से और ये लफ्ज़ आपने भी सुना है अक़द निकाँ फलाँ का अक़द निकाँह है तो अक़द अरबी ज़बान में असल में कहते हैं किसी चीज़ में ग्रह लगाना गाँठ लगा देना ज़ाहिर है कि जब कोई रस्सी टूट जाती है उसमें गिरा लगाई जाती है तो फिर वो मज़बूत हो जाती है तो किसी चीज़ में ग्रह तो लगाने के लिए उसको किसी चीज़ में ग्रह लगाने के की वजह से वो चीज़ मज़बूत हो जाती है तो अकदा के असल माना है किसी चीज़ को मज़बूत कर देना किसी चीज़ में ग्रह लगा देना हमारी उर्दू मुहावरे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि इस बात पर गिरा लगा लो गुजराती वाले भी बोलते हैं गांठ मारी लो तो ये गिराह लगा देना इसका मतलब है कोई मजबूत चीज़ ठोस चीज़ जिसमें कोई शक नहीं आ सकता तो अकीदे का असल माना है इंतहाई मजबूत बात और हिंदी में अगर इसका तर्जमा करना चाहें आप तो मान्यता और अंग्रेज़ी वाले इसको कहते बिलीव्स जिन चीज़ों को मानना है और अकीदे का ताल्लुक सीधा दिल से है आज़ा से नहीं है दिल से है और दिल तमाम आज़ा का सरदार है इसलिए अकाइद भी तमाम मलूम का सरदार है तो इल्... अकीदा कहते हैं किसी मजबूत बात को लगत के अतबार से अगर आप देखें तो इसका माना है कोई मजबूत बात और शरीयत की टर्म में शरीयत की परिभाषा में अकीदा किसे कहते हैं तो शरीयत की ज़बान में अकीदा कहते हैं अल्लाह के बारे में उसके रसूलों के बारे में उसकी किताबों के बारे में फ़रिश्तों के बारे में ग़ैब की चीज़ों के बारे में अपने दिल में उन बातों को मज़बूती से बिठा लेना जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई जो अल्लाह और उसके रसूल स जो बातें अल्लाह के बारे में रसूलों के बारे में किताबों के बारे में फ़रिश्तों के बारे में आखिरत के बारे में तकदीर के बारे में जो बातें बयान फरमाई है उसको मजबूती से अपने दिल में बिठा लेना इस तरह यकीन के साथ कि उसमें कोई शक शुबा पैदा ना हो सके कोई आदमी कितना ही शक पैदा करने की कोशिश करे लेकिन टस से मस न हो और उसमें कोई तब्दीली ना आए इसको कहते हैं अकीदा अकायद का मतलब क्या हुआ दीन की वो बातें दीन व मजहब की वो बातें जिस पर यकीन रखना दीन व मजहब की वो बातें जिस पर यकीन रखना ऐसा यकीन कि जिसमें कोई शक शुबा ना हो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल साफ साफ बुनियादी बातें हमारे दिल में मजबूती के साथ अब इसमें कौन सी बातें आएंगी तो इम अक़ाद का मौजू यानीद का टॉपिक सब्जेक्ट क्या है तो आम तौर पर फरमाते हैं तीन चीज़ें नंबर एक इलाहीयात इलाहीयात यानी मबूद के बारे में मबूद कौन है अल्लाह ताला मबूद के बारे में हमारी मान्यताएं क्या होनी चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ताला की सिफात के बारे में हम क्या माने यानी कौन सी चीज़ें अल्लाह में हैं यानी कौन से कमालत अल्लाह में हैं और कौन से अयूब से अल्लाह तक है और बंदों के ऊपर अल्लाह ताला की क्या हकूक़ हैं उनको बयान किया जाएगा नंबर दो नबुवात नबुवात यानी नबी और रसूलों के बारे में फ़रिश्तों के बारे में हमारे लिए क्या अकद होने चाहिए नबी और रसूल कैसे होते हैं उनकी ज़ात कैसी होती है उनमें क्या सिफ़ात होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इन आएगी और नंबर तीन ग़ैबी यात वो चीज़ें कि इंसान की अक़ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती इंसान की आंखें उसे देख नहीं सकती लेकिन वो चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ़ अल्लाह के बताने से हमें मालूम हुई जैसे फरिश्तों का वजूद हमने फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फरिश्ते हैं जिन्नात का वजूद इसी तरह आखिरत में जो हालात पेश आने वाले हैं जन्नत है जहन्नम है हिसाब किताब है और तकदीर है ये चीज़ें जिसका ताल्लुक़ गैब से है और जो कुरान और हदीस के बताने से ही हमें मालूम हुई है उसके इन चीज़ों से इसमें बात की जाएगी उन चीज़ों को बयान किया जाएगा इन शह ते आज का सबक था वक्त पूरा हो रहा है तो आज हमने तारुफ उस्ताद का तारफ़ किया कोर्स का तारफ़ करवाया दीन के आदाब बयान किए और इल्म अकायद की अहमियत बयान की इल्म अकायद की तारीफ़ किया है लगत में और शरीयत की ज़बान में वो बयान किया और इल्म अकायद का सब्जेक्ट क्या है वो बयान किया आज का ये सबक था जो यहाँ मुकम्मल हो रहा है हम वक्त की पाबंदी करते हुए इन सबक को आज यहीं रोकते हैं और आज के सबक़ का ख़ुलासा भी इन शामने अभी पेश करते हैं तहरीरी शक्ल में ताकि आपको मालूम हो ये है आज के सबक़ का ख़ुलासा जो अभी मैंने बयान किया ये चीज़ आपके सामने इन रहेगी मैसेज भी भेज देंगे तो आपके सामने पूरे सबक का ख़ुलासा इन रहेगा कोशिश करेंगे कि रोज़ाना का सबक इस तरह आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप उसको ख़ुलासे के तौर पर अपने पास महफूज रख सकें अल्लाह तबारक वाल आज के सबक को कबूल फरमाए और हम सब के लिए खैर का फैसला फरमाए आप तमाम शुर्र गुज़ार भी हूँ और आपको सबक का अंदाज़ कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ज़बान ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है ये चीज़ें आप कमेंट्स में भी बेच सकते हैं और अभी अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो सवाल भी कर सकते हैं हो सकता है कि 40 मिनट पर आज की जूम की मीटिंग ख़त्म हो जाए तो आप ग्रुप में भी शामिल है वहाँ भी आप अपनी राय दे सकते हैं आपको कोई अगर मशवरा देना है तो मशवरा भी दे सकते हैं मैं इनशाला मुंतजिर रहूँगा इसलिए कि दो तरफ़ से मामला होना चाहिए ये तो सब मैंने ही बोला है अब आगे आपकी तरफ़ से इसका क्या रिस्पांस मिलता है इसलिए कि दोनों उस्ताद और दोनों का ताल्लुक़ होना चाहिए दोनों तरफ से बातें समझ में आनी चाहिए तो इन हम कोशिश करेंगे अल्लाह तबारक वाली सबक को कबूल फरमाए آمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركاته السلام السلام جئ وعليكم السلام جي मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा तो आप वापस पूरा सुन सकते हैं जी इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं तो आप कांटेक्ट नंबर किस तरीके से पॉसिबल आप ग्रुप में आप में आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं खवातीन का जो ग्रुप है ना उसमें ऐड हुए हैं आप